को एक पत्र लिखा है और मशीनों से छिड़खानी की आशंका जताई है। तो ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में और सुरक्षा बलों की निगरानी में 24 घंटे वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी निगरानी में ईवीएम मशीनों को हर एक सेंटर पर रखा गया था और बाकायदा जो प्रत्याशी थे उनके जो टीम के लोग थे वो भी वहां पर ड्यूटी दे रहे थे। ज्यादातर सेंटर्स में देखा गया था कि ताकि ईवीएम मशीन से छेड़खानी ना हो। अब ऐसे में खबर आई है कि ईवीएम मशीनों में छेड़खानी की आशंका जताई है। कांग्रेस ने संज्ञान लेने की मांग की है चुनाव आयोग से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इजहार खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजहार, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी जगह की ये खबर है जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत की गई है कि यहां पर ईवीएम मशीनों में छेड़खानी की गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जेपी धनोपिया हैं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस ने इन्हें चुनाव का प्रभारी बनवाया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनमें यही सभी सब यही जो शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं। इन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को शिकायत की है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो 2023 विधानसभा चुनाव हुआ है 17 नवंबर को, उसको पूरे प्रदेश में जहां जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं उनको लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है और ईसी से मांग की है कि जहां जहां ईवीएम रखी हैं वहां के संबंध में इन्होंने कई तरह की जानकारियां मांगी हैं और आशंका जताई है, जिसमें यह है कि जिला स्तर पर जहां स्ट्रांग रूम है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो वहां पर स्क्रीन लगाकर दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं क्या वो स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे हैं और क्या उन कैमरों में वाईफाई इनबिल्ड है या नहीं की जानकारी इन्होंने मांगी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरों का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसमें बिजली का विशेष महत्व है, बिजली अगर चली गई तो फिर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी चाहिए इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्या इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो इन्होंने कई तरह की आशंकाएं जाहिर करी हैं, कई तरह की जानकारियां निर्वाचन आयोग से मांगी हैं और शक भी जाहिर किया है कि ईवीएम्स हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है, जिसके चलते जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें खुद संज्ञान लेना चाहिए और खुद जो है लगातार निगरानी करनी चाहिए। जी इजहार, लगातार हम देख रहे हैं जैसा कि खबरों में तमाम जो भी सेंटर्स है जहां पर ईवीएम रखी गई है, सीसीटीवी 24 घंटे निगरानी सीसीटीवी कैमरे की है, सुरक्षा बल वहां पर चप्पे चप्पे पर हैं, खुद जो प्रत्याशी हैं उनके जो टीम के लोग हैं वो और ड्यूटी देते हैं घंटों के हिसाब से, इन सब के बीच कैसे ये संभव है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप जो बोल रही हैं वो एकदम सही बात है कि पुलिस जो प्रशासन है, जो निर्वाचन आयोग, इसने तीन लेयर की व्यवस्था की है, सीआरपीएफ है, विशेष सशस्त्र पुलिस बल है, फिर साथ में जिला बल है और लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी जो है दिन में दो बार निरीक्षण करने पहुंचते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है उसका तर्क ये है कि जो जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, जो ईवीएम्स है लगी हुई हैं वहां पर, जैसे उन्होंने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे हैं वहां पर बिजली की व्यवस्था होती है, बिजली से कैमरे चलते हैं, अगर बिजली चली गई, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, उस दौरान कोई अगर छेड़छाड़ करे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, जो वाईफाई एनेबल्ड होते हैं डिवाइसेज हैं उनसे बचने के लिए क्या व्यवस्था है, कई तरह की उन्होंने आशंकाएं जाहिर की है। क्योंकि 3 दिसंबर को मतदान है और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इन शिकायतों के जरिए, इन जो सवाल जवाब के जरिए एक तरह से एक प्रेशर भी बनाए रखना चाहती है, जिस तरह से हमने देखा पिछले चुनाव में कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि प्रशासन ने, एसडीएम ने, कलेक्टर ने गड़बड़ी करा दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरफ तो आशंका जाहिर कर रही है ईवीएम में छेड़छाड़ होने की, वहीं दूसरी तरफ एक कोशिश कर रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन पर जो है प्रेशर बनाया जाए जिससे कि जो मतगणना हो वो निष्पक्ष हो और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जी इजहार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।